दोस्तों आज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां गल करांगे उस किस्से दी या उस टाकरे दी जिहड़ा कि 1980 दे दहाके विच संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले अते शिवसेना दे सुप्रीमो बाल ठाकरे होणा दे विचाले होया सी। उही बाल ठाकरे जिहड़ा महाराष्ट्र अते मुंबई दे विच तां गजदे सी, पर जदों एक तरीके की बंगार उन्होंने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले नूं कीती, हालांकि उन्होंने सीधा भिंडरांवाले नूं चैलेंज नहीं किया सी, बल्कि अपने एक बयान के जरिए यह कहा सी कि जो कुछ भी संत जरनैल सिंह पंजाब या दिल्ली दी सड़कां ते कर रहे हैं उसनू महाराष्ट्र खास करके बॉम्बे दे विच तां कदे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तों बाद संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ने बाल ठाकरे के इस चैलेंज नूं कबूलिया अते अपने सैकड़े हथियारबंद समर्थकों के नाल मुंबई गए। संतां दा बॉम्बे जाण दा मकसद सिर्फ धर्म प्रचार करना सी, जिस तों बाद उन्होंने बॉम्बे दे विच भी कई जगह ते अपने जलसे किए। इस तों अलावा जदों संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले वापस पंजाब आए तां किवें पूरे देश दीआं खुफिया एजेंसियां दी नींद उड्डी, किवें देश दीआं खुफिया एजेंसियां नूं चकमा दे के संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले वापस आए। अज दी वीडियो दे विच गल करांगे इस पूरे दिलचस्प घटनाक्रम बारे, सो वीडियो नूं शुरू तों लैके अंत तक जरूर देखियो अते जेकर तुहानूं साडी वीडियो चंगी लगी तां साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। दोस्तों मुंबई आउण तों पहलां संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दिल्ली दी फेरी ते भी गए सी, जिथे उन्होंने सिख संगतां दे नाल धर्म प्रचार किया। जदों उह दिल्ली विच धर्म प्रचार कर रहे सी तां उन्हां दे नाल उन्हां दे सैकड़े हथियारबंद समर्थक हुंदे सन। संत जरनैल सिंह खुद भी अपने सैकड़े हथियारबंद समर्थकों के नाल बसां दीआं छत्तां दे उत्ते बैठ के दिल्ली विच इक जगह तों दूजी जगह जाया करदे सी। हालांकि संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं दा मकसद हज़ारां दी हथियारबंद भीड़ इकट्ठी करके किसी नूं भी डराउणा धमकाउणा या किसी नाल जबर करना नहीं सी। संतां दी विचारधारा ही अजिही सी जिस विच उन्हां दा कहना सी कि जेकर सानूं साडे हक्कां जां साडे धर्म दे लई हथियार चुकणे पै जाण तां सानूं इस तों पिछे नहीं हटना चाहीदा। दिल्ली दीआं सड़कां दे उत्ते सैकड़े हथियारबंद लोकां नूं देख के सिख समुदाय तों बाहर दे लोक काफ़ी सहम गए, जिस तों बाद इह पूरा मामला दिल्ली दे लैफ्टिनेंट गवर्नर दे द्वारा उस वक्त भारत दे होम सैक्रेटरी टी एन चक्रवेदी दे कोल उठाया गया। दिल्ली दीआं सड़कां दे उत्ते संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले अते उन्हां दे हज़ारां समर्थकां दी भीड़ नूं देख के केंद्र दी सरकार भी घबरा चुकी सी। इस तों बाद केंद्र दी सरकार ने संत जरनैल सिंह नूं तुरंत गिरफ़्तार करन दे आदेश दित्ते। उस वक्त भारत के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह होया करते सन। संतां की गिरफ़्तारी तो कुछ समा पहला ही यह जानकारी लीक हो गई, जिस तों बाद संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दिल्ली विच मजनूका टीला गुरद्वारा तो सीधा पंजाब वापस आ गए। इत्थे भी केंद्र सरकार अते उस दीआं एजेंसियां संतां नूं गिरफ़्तार करन दे विच नाकाम रह जांदियां ने। इन्ने दे विच शिवसेना दे आगू बाल ठाकरे दा एक बयान उस वक्त काफ़ी चर्चा दे विच आउंदा है, जिस विच उन्होंने कहा हुंदा है कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जो कुछ भी पंजाब अते दिल्ली दीआं सड़कां ते कर रहे ने उसनू महाराष्ट्र खासकर बॉम्बे दे विच कदे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तों बाद संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले बॉम्बे आउण दा अपना प्लैन बनाउंदे ने। दूजे पासे केंद्र दी सरकार कोल भी इह इक बहुत वधिया मौका सी जदों उह संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले नूं गिरफ़्तार कर सकदी सी। इस दे विच ही जदों मुंबई दे उस वक्त दे पुलिस कमिश्नर जूलिया बवेरू नूं इस गल दा पता लगदा है कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले मुंबई आ रहे ने, तां उह संतां नूं महाराष्ट्र दे विच एंटर करन तों पहलां ही गिरफ़्तार करना चाहुंदा है, पर केंद्र दीआं सुरक्षा एजेंसियां दे द्वारा मुंबई पुलिस कमिश्नर नूं अजिहा करन तों रोक दिता जांदा है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां दा प्लैन यह सी कि जदों संत जरनैल सिंह मुंबई विच अपना प्रचार करके वापस जाणगे उदों उन्हां नूं मध्य प्रदेश दे नासिक दे कोल गिरफ़्तार किया जाएगा। हालांकि उस वक्त संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं दे उत्ते एक भी अपराधिक मामला दर्ज नहीं सी, इस लई एजेंसियां दे द्वारा संतां दी पुरानी वीडियो नूं उठाया गया अते भड़काऊ भाषण दा आधार बना के पंजाब तों गिरफ़्तारी वारंट जारी करवाया गया। पर इत्थे हैरानी दी गल इह सी कि इह जानकारी भी लीक कर गई अते संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले एक बहुत ही नाटकीय तरीके दे नाल मुंबई तों वापस पंजाब आए। उस वक्त दे इंटैलीजेंस ब्यूरो दे डायरैक्टर टी वी राजेश्वर ने अपनी एक किताब दे विच लिखा है कि उन्हां नूं अज तक इस गल दी समझ नहीं आई कि इह जानकारी किस तरीके दे नाल लीक कर गई। टी वी राजेश्वर अपनी किताब दे विच लिखदे ने कि संत जरनैल सिंह जदों बॉम्बे तों वापस पंजाब आए तां किसी नूं भी कन्नों कन्न खबर नहीं हुई। इस तों अलावा संतां ने अपना एक हम शकल अपने उस कमरे दे विच छड्ड दिता जिथे वह ठहरिया करते सन, इसलिए पूरी मुंबई पुलिस अते देश दीआं खुफिया एजेंसियां नूं यह लग रहा सी कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले हजे इत्थे ही ने, पर वह इन्ने दे विच पंजाब आ चुके सी। कहा यह भी जाता है कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवालिआं दे नाल जो समर्थक सन उन्हां दे जो भी लसंसी हथियार सन उन्हां नूं एक तेल टैंकर दे विच पा के वापस पंजाब लिआंदा गया।
4 मई 1982 के आस पास की यह घटना सी जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां संतान गिरफ्तार करने का प्लैन बना रही सन। पर 9 मई 1982 संत जरनैल सिंह वापस चौंक मेहता आके सारे के सामने आते हैं, जिस तो बाद पूरे देश दी एजेंसियां अते पुलिस हैरान रह जाती है। इस दौरान जिन्ना समा भी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले बॉम्बे दे विच रहे, बाल ठाकरे दे द्वारा एक बार भी मीडिया के सामने कोई भी बयान नहीं दिता गया। कुछ लोगों का मानना है कि बाल ठाकरे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले तो डरते हुए अंडरग्राउंड हो गए सन, पर कुछ लोग मानते हैं कि इस विच बाल ठाकरे की समझदारी सी। तुहाडी इस दे बारे की राय है सानू कमेंट करके जरूर दस्यो। अपना कीमती समा देने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद।